पत्नी के साथ मारपीट कर दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए करते थे प्रताड़ित। पूरा मामला जिला हमीरपुर के मोधा तहसील के पास मकराव गांव का है, जहां धर्मपाल राय की पुत्री गीता राय का विवाह 14 मई 2015 में थाना जरिया के गोहान में शिववीर राय पुत्र सुरेंद्र राय के साथ हुआ था। कुछ दिन शादी होने के बाद गीता राय का पति सुरेंद्र राय अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और उससे घर से भाग जाने की धमकी दी थी। सुरेंद्र राय की पत्नी गीता राय का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बीतने के बाद मेरा पति मुझसे किसी और से फोन पर बात करने के लिए बोलता था और उस फोन की रिकॉर्डिंग कर लेता था, फिर सबको सुनाकर मुझको मारता था और जहां तक किसी और के साथ देह व्यापार करने को भी बोलता था। और उसके ससुर ने भी अपनी बहू गीता राय के साथ अपने कमरे में अकेले बुलाने की कोशिश की, जबकि गीता राय ने मना किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी। गीता राय ने बताया कि मेरे पिताजी की मैं एक इकलौती लड़की हूं, जिसके कारण मेरे पति और मेरे ससुर का कहना है कि तुम्हारे पिताजी के पास जो 10 बीघे जमीन है वह हमें दिला दो तो तुम आराम से रह सकते हो। उसके बाद गीता राय ने अपने पिता को अवगत कराया तो उसकी जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। समस्या ये है कि मैंने 2015 में अपनी लड़की की शादी गोहान में मैंने किया था। अच्छा, गोहान। लड़की का नाम सुरेंद्र है जी, और उसके बाद का नाम शिवीर। अच्छा, और वो जो है तो 2-4 महीने तो अच्छी तरह रखे रहे हैं लड़की को। अच्छा, इसके बाद जो परेशान उन्होंने किया बहुत ज्यादा। कब शादी की थी आपने? 2015 में। तो क्या तकलीफ देते हैं उनको आपकी बच्ची को? तकलीफ इसको मारते हैं, असलाहे अच्छा। और जैसे कहते हैं कि आँख में तेजाब डाल देंगे। अच्छा, तो डाई पिलाकर मार डालेंगे। अच्छा, नदी में जैसे काट कर फेंक देंगे, कह देंगे भाग गई है। अच्छा, ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि और 2015 में इसकी शादी हमने की थी। अच्छा, 5 साल हो गए और इसके बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, और दूसरी बात जमीन के मेरे पीछे पड़े। कितनी है आपके पास जमीन? मेरे पास 7-10 बीघे जमीन। अच्छा, आपके लड़के बच्चे नहीं है क्या? लड़के बच्चे नहीं, ना लड़का है ना इसके अलावा दूसरी बच्ची। अच्छा, आपसे कहते हैं हमें आपकी जमीन चाहिए। जमीन चाहिए। अच्छा, आपसे मांगते हैं? हाँ, अगर ऐसा नहीं तुमने किया तो तुम्हारी बच्ची को मार देंगे, तुमको मार देंगे। अच्छा, तुम्हारे भाई के बच्चों को मार। हम बताइए, हमको गाली देते हैं, धमकी देते हैं। अच्छा, कहते हैं जहाँ कहीं भी मिलोगे तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, तो हम गरीब आदमी जो है तो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, और सहन कर रह जाते। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम गीता है। अच्छा, कहाँ आपकी शादी हुई थी? गुहांड में। गुहांड थाना, वहाँ का कौन लगता है? सरीला। सरीला, और आपके पति का? जरिया। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का सोरेंद्र नाम है। तो वहाँ आपको किस तरह की परेशानी होती है, क्या समस्या है? मेरे पापा की 10 बीघा खेती है। अच्छा, वो मांग करते हैं। अच्छा, और असला धर देते हैं मेरे गणपति में। अच्छा, और मुझे खड़ी में बांध के मारते हैं। अच्छा, आपको मारते हैं? जी हाँ। और आपको क्या क्या कहते हैं? मेरे ससुर मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, गलत बर्ताव करते हैं आपके साथ? जी हाँ, मैं अगर बाथरूम जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मैंने एक बार मना भी किया था कि मैं आपको ब्याही नहीं हूँ। अच्छा, आपकी लड़की को ब्याही हूँ जी। तो बोले कि पहले मेरे से साथ में सोएगी, बाद में चार्जेस के साथ में सोएगी। अच्छा, तो आपके ससुर बोलते हैं? हाँ, मेरे ससुर बोलते हैं। अच्छा, और 12 बजे रात में कहा कि तुम आएगी नहीं तो जान से मार दूंगा। अच्छा, आपको धमकी भी देते हैं? धमकी भी देते हैं, मारते भी हैं वो लोग। अच्छा, क्या नाम है आपके ससुर का? शिवीर। शिवीर। हाँ। अच्छा, और आपने शिकायत की थी कहीं, बताया? हाँ, मैंने अपने पिताजी से बताया बाद में। अच्छा, जब हद से ज्यादा गुजर गई। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की थी? मैं जरिया गया था। अच्छा, जरिया में एप्लीकेशन जमा किया था, उन्होंने भेज दिया चौकी। अच्छा, और चौकी वालों ने जो है तो मेरे साथ जाकर मेरी लड़की को घर से निकाल कर लाए। अच्छा, मेरी लड़की इतनी सहमी हुई थी कि उनसे जो है तो हमसे बात करने में कतरा रही थी। अच्छा, और जब आ रहे थे तो उन लोगों ने हमने कहा था कि अभी देख लो कि जैसे हमारी लड़की तुम्हारा कुछ सामान तो नहीं ले जा रही। अच्छा, तो वो कहने लगी कि हमें न उनसे मतलब है न आपसे मतलब है। अच्छा, तो अभी क्या कह रहे हैं, वो लिवाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो तो ले जाने के लिए क्या कहेंगे, जो तो मेरी लड़की को मेरी लड़की से किसी दूसरे लड़के से जो बात करवाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करवाते हैं, उसका
उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं सर। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की को न्याय मिले। अच्छा, न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, और कुछ आपको कहना? हाँ, मेरी बड़ी नंद है। अच्छा, जो आगरा में रिंकी परिहार नाम है उसका। जी, तो मेरे साथ में आई थी ना? जी, 9 अप्रैल को। जी, 9 अप्रैल को। नौ फरवरी को आई थी मेरी बड़ी नंद। अच्छा, तो कुछ भी नहीं बोली। फिर मैं एक बार कहने लगी कि चाय बना के दो। अच्छा, मैंने उसको चाय बना के दिया। अच्छा, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के जला दी। अच्छा, बोले ऐसे चाय बनाते हैं? मैंने कहा दीदी कैसे बनाते हैं? बोले ऐसे नहीं बनाते। अच्छा, उसने बेल्ट उठाई मेरे पीठ में, इतना मारा मुझे, इतना मारा। अच्छा, आप रोइए नहीं, आप शांत हो जाइए, आपकी समस्या का जरूर हल होगा। तो अच्छा, आप ये बताइए, आप उस घर में आप दोबारा जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, अब नहीं जाना चाहते आप? नहीं जाना चाहते, मेरा उनका कोई भरोसा नहीं, मुझे वो कब ना मार दें। अच्छा, आपको डर है? डर है जी। धन्यवाद।